नमस्कार। लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हुए 13 दिन से ज़्यादा के वक्त हो गए हैं। देश में नई सरकार बन गई है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बने हैं, एनडीए की सरकार है, लेकिन पार्टियां अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से समीक्षा कर रही है। एक दिन पहले फॉलोअप झारखंड के जरिए ही आपने देखा कि कैसे दुमका में समीक्षा बैठक के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए थे। और अगर इससे इतर देखें दूसरी पार्टियों में, तो कांग्रेस में बाकायदा समीक्षा का दौर जारी है और एक दूसरे पे बयानबाजी शुरू है, चल रहा है। इस वक्त बहुत ही बड़ी खबर निकल कर के आ रही है देवघर से, जहां पे बीजेपी के विधायक, जो देवघर के विधायक हैं नारायण दास, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है निशिकांत दुबे के ऊपर। निशिकांत दुबे को आप जानते हैं, गोड्डा से इस बार चौथी बार वो सांसद बने हैं। उन पे आरोप लगाया गया है और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के ही एक विधायक जो गोड्डा संसदीय क्षेत्र से आते हैं, देवघर विधायक हैं नारायण दास, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि निशिकांत दुबे ने अपने गुंडों के जरिए उनको जो है गाली गलौज करवाया है, माँ बहन की गालियाँ दिलवाई, मारपीट की नौबत आ गई। कई दूसरे जो विजुअल्स आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, वो काफ़ी शर्मनाक है। इस तरीके की खबरें निकल कर के आ रही है। सनी शरद हमारे साथ हैं, पांडे जी भी हैं, हम लोग चर्चा करेंगे। सनी, ये दूसरी घटना है बीजेपी में दुमका के बाद जहाँ पे इस तरीके की खबरें निकल कर के आ रही है, लेकिन खास करके अब ये मामला तब ज़्यादा गंभीर हो जाता है जब नारायण दास, जो कि वहाँ पे विधायक हैं, पहले से ही एक आरोप लगते रहा निशिकांत दुबे के ऊपर चुनाव के दौरान कि वो नारायण दास या फिर अमित मंडल, इन जैसे विधायकों को जो है वो सम्मान नहीं दे रहे हैं। अब तो चुनाव बाद तो खुल करके ये बातचीत सामने आने लगी। तब बिल्कुल, देखिए, चुनाव के बाद हर जगह समीक्षा हो रही है और आज गोड्डा लोकसभा की समीक्षा थी। हालांकि वो सीट ने बीजेपी ने जीता है, 1,01,000 वोट से निशिकांत दुबे चौथी बार वहां से जीत कर विजयी हुए हैं। आज समीक्षा करने के लिए जो राज्यसभा सांसद हैं आदित्य साहू और बालमुकुंद साहब, दोनों यहां से गए थे और समीक्षा हो रही थी तभी कुछ लोग आए। जैसा कि एक इंटरव्यू, मीडिया इंटरव्यू दिया है वहाँ के जो विधायक हैं नारायण दास, उन्होंने, और उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उन्हें माँ बहन की गालियाँ तक दी गई, और उन्होंने आरोप लगाया है कि जो लोग भी मेरे साथ ऐसा किए हैं वो निशिकांत दुबे के आदमी थे, निशिकांत दुबे के भेजे हुए गुंडे थे। उन्होंने पूरी बातचीत में इस बात का भी जिक्र किया कि जब निशिकांत दुबे के नॉमिनेशन में राजनाथ सिंह आए थे, आप सब जानते हैं कि बहुत तस्वीर जो है एक वायरल हुई जिसमें कि नारायण दास और अमित मंडल दोनों मंच के पीछे खड़े थे और मंच पर नामांकन के दिन की जो तस्वीर और उनका पूरा परिवार खड़ा था, ये सवाल भी मैंने पूछा था निशिकांत दुबे का जब इंटरव्यू किया था, तब निशिकांत दुबे ने इस मसले पर कहा था कि मंच पर जगह कम होती है और उस हिसाब से जो है वहाँ पर खड़े नहीं हुए थे। आप समझिए कि उतने दिन बीत जाने के बाद, चुनाव जीत जाने के बाद, अभी भी नारायण दास जो है इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो खटास है वो मुझे लगता है कि चुनाव से पहले का ही है। और जिस तरह से एक चर्चा इस गोड्डा लोकसभा चुनाव के दौरान भी रही कि नारायण दास मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं या किसी एक होटल में जाकर बैठ रहे हैं, और यही वजह है कि आज की बैठक में ये गुस्सा देखने को मिला। मतलब ये जो खटास है, जैसा सनी बोल रहे हैं, चुनाव के दौरान भी कई तरीके की चर्चा चल रही थी, जैसा सनी खुद बता रहे हैं कि निशिकांत दुबे और उनके आसपास के लोग यह बोल रहे थे खुल करके कि नारायण दास या फिर दूसरे लोग जो है वो उस तरीके से प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। अब देखिए कि वहाँ पे चुनाव भी बीजेपी जीत गई है, बीजेपी थोड़ी देर पहले फॉलोअप झारखंड के जरिए ही आपने देखा कि लोकसभा चुनाव परिणाम के तुरंत बाद से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा सरमा को प्रभारी बनाया गया है, चुनाव प्रभारी बनाया गया है, और इसी बीच नारायण दास ने इस तरीके का बड़ा आरोप लगा दिया है 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है। पांडे जी, ये जो खटास है और अब जो सामने आने लगा है, पहले ये आम चर्चा थी, एक दूसरे समर्थकों के जरिए जो है इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगता था, लेकिन नारायण दास अब खुलकर के मीडिया में बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ भी नारायण दास जुड़ेंगे और उनसे, उनके जरिए ही जो है आपको हम लोग सुनवाएंगे कि आखिर पूरा मसला क्या है। पांडे जी, पहले तो ये बताइए कि इस तरीके की जो तस्वीर निकल करके आ रही है, 5 सीटें ऑलरेडी जो सुरक्षित सीटें हैं बीजेपी यहाँ पे लूज कर गई, और अब इस तरीके की खटास, कितना नुकसान होगा बीजेपी को? तो पूरा नुकसान होगा, भले ही सीट जीत गए गोड्डा, वहाँ भी नुकसान हुआ, जीत का अंतर कितना कम हो गया।
वो देखना चाहिए। देखिए शुरू से ही जैसे नारायण दास वहाँ पूर्व में जिलाध्यक्ष भी थे देवघर के, तो उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, पार्टी ने विश्वास जिताया, फिर से टिकट दिया, फिर से वो जीते। इस बार चुनाव में क्या हुआ, जब पहली बार निशिकांत दुबे जब आए थे चुनाव लड़ने, तो मधुपुर के जो विधायक थे राज पलिवाल, उन्होंने विरोध किया और कहा कि बाहरी नहीं चलेगा। उस दौरान झड़प भी हुई, आपको याद होगा बैंडेज पट्टी तक का नौबत गया। उसके बाद उसी समय से जब वो पहली बार चुनाव जीतते, उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके नारायण दास और मतलब ये राज पलिवाल को टिकट नहीं मिलेगा। ये वो सार्वजनिक तौर पे कार्यकर्ताओं के बीच कहते रहते हैं निशिकांत दुबे। तो राज पलिवाल को टिकट नहीं मिला, वहाँ से आसू के जो नेता थे उनकी एंट्री हो गई। तो उनकी एंट्री हुई तो उसके बाद राज पलिवाल अपने से मतलब बीजेपी में हैं लेकिन काम वैसा नहीं करते हैं। आपको याद होगा कि उपचुनाव भी जब लड़ रही थी पार्टी वहाँ पे मधुपुर में, जो गंगा नारायण को उम्मीदवार, हाँ तो भी नहीं गए। इस ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। उस समय प्रदेश कार्य समिति की एक बैठक हुई, तो उस समय अगर राज परिवार का टिकट कटा तो वो तो आसू को सीट वो मिल गई थी, इसलिए निशिकांत दुबे तो टिकट तय करते नहीं है। नहीं नहीं, आसू को सीट नहीं मिली थी, आसू के नेता को बीजेपी ने अपने दल में ज्वाइन कराया और फिर टिकट दिया। हाँ। और पहले से ही कोई बोलता रहा कि इस बार इनका टिकट कटेगा और किसी कारणवश कटे, तो उसी तरीके से इस बार का जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक वहाँ हुई थी, जहाँ जहाँ बैनर पोस्टर लगा था जिला अध्यक्ष होने के नाते, नारायण दास के सारे जिला के बैनर पोस्टर को हटा दिया गया था। ऐसी भी तस्वीरें आई कि नारायण दास की तस्वीर के ऊपर मतलब पैर से रौंदा गया, और वो मतलब कई लोग जो उसमें कह रहे थे कि हम खुद बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, या कोई लोग कह रहे थे कि नहीं ये सिर्फ निशिकांत दुबे के आदमी हैं, ये मामला चलता रहा। फिर ये जब इस तरीके का जो परसेप्शन है वो बनते रहा इस चुनाव में भी कि ओबीसी विरोधी हैं निशिकांत दुबे, दलित विरोधी हैं। पांडे जी से मैं बोलूँगा कि आप नारायण दास जी को फ़ोन तब तक लगाइए। सनी, ये खटास क्या अभी सामने आना जरूरी था, तब जबकि चुनाव जीत गए वहाँ पर निशिकांत दुबे? हालांकि निशिकांत दुबे से आपकी बातचीत हुई, वो कहाँ हैं इस वक्त? निशिकांत दुबे नहीं है उस बैठक में, नहीं है झारखंड में, नहीं है नारायण जी। और वो पहले नारायण दास जी से बात करते हैं। नारायण जी, आपका स्वागत है फॉलो अप में। जी जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये क्या घटना हुई है, अगर आप पूरा पहले अगर आप बता सकें दर्शकों को, जो दर्शक देख रहे हैं लगातार? निश्चित रूप से हम बताने के लिए तैयार हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश की ओर से तमाम लोकसभा में समीक्षात्मक बैठक चल रही है, उसी निमित्त आज प्रदेश के महामंत्री श्री आदित्य साहू जी और श्री बालमुकुंद सहाय जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वो समीक्षात्मक बैठक लेने के लिए देवघर पहुंचे थे जी। और बैठक प्रारंभ भी नहीं हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के चौथी बार के सांसद आदरणीय निशिकांत दुबे के गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया, उसको मारा, उसको पीटा भी, और यहाँ तक कि मेरे साथ भी मां बहन लगा के गाली दिया और मेरे गिरेबान को भी पकड़ने का काम किया। एक दलित विधायक के साथ निशिकांत दुबे के गुंडों ने बहुत ही गलत काम किया है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। और प्रदेश के दोनों पदाधिकारी के सामने ही ऐसी घटना घटी है। तो नारायण जी, मेरा आपको इंटरप्ट करना चाहेंगे, क्या इस बैठक में वो जो आप कह रहे हैं जो निशिकांत दुबे के गुंडे हैं, क्या वो लोग अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता बोल रहे हैं? किनको किनको बुलाया गया, किनको नहीं बुलाया गया? नहीं, जो अपेक्षित हैं अब वो लोग अपेक्षित भी नहीं थे। उनका गुंडा मैन है देवता पांडे, जो उनका काम देखता है, जो भारतीय जनता पार्टी का 2 रुपया का मेंबर नहीं है। उनके घर का काम देखने वाला पिंटू तिवारी, जो 2 रुपया का भाजपा का कार्यकर्ता भी नहीं है। राहुल तिवारी, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। निर्मल मिश्रा, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। और वो तो बराबर कहते हैं कि जब भी मैं चुनाव लड़ता हूँ तो संगठन को मैं नहीं लेके चलता हूँ, संगठन मेरे लिए काम नहीं करती है, संगठन पर उसका बड़ा आरोप है। चौथा चुनाव जो उन्होंने जीता है, अगर संगठन नहीं रहता तो वो चुनाव जीत पाते क्या? तो उनकी अहंकार की भाषा आप लोगों ने भी देखा होगा कि हर जगह उनका विरोध हुआ,
चाहे गुड्डा हो, महकामा हो, जरमुंडी हो, मधुपुर हो, देवघर हो, लोगों ने 75 करोड़ का हिसाब पूछा कि तीसरी बार के आप सांसद हैं, आपका एमपी लैंड फंड कहाँ है, तो हर जगह उसको तिरस्कार मिला। अब देवघर को अशांत कराना चाहते हैं। मैंने अपने अथक प्रयास से 41,000 वोट से उनको लीड दिलाने का काम किया, उससे ज्यादा मतों से उनको लीड दिलाने का काम किया, और एक दलित विधायक के साथ अगर उसके गुंडे के द्वारा, उसके गुर्गे के द्वारा ऐसी अप्रिय घटनाएं होती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बिल्कुल, आप जिस तरीके से बता रहे हैं नारायण जी, सुन कर कहीं लग रहा है कि ये काफ़ी शर्मनाक घटना है। भले ही जो आपका आरोप है वो तो जांच का मसला है, हालांकि आप ये भी बोल रहे हैं कि जो दो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उस बैठक में मौजूद रहे और उनके सामने यही ये सारा घटनाक्रम हुआ। क्या नारायण दास जो विधायक भी हैं, खुद को दलित भी बता रहे हैं, दलित कैटेगरी में आते हैं, क्या आप इसको आगे ले जाएंगे? ये सिर्फ पार्टी के भीतर का मामला रह गया या फिर आप इसको लेकर के थाने में मामले भी दर्ज कराएंगे? मैं एक तरफ से जब मेरे साथ अत्याचार किया गया, मेरा गिरेबान पकड़ा गया, मेरे साथ धक्का मुक्की किया गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देवाशीष चौधरी के साथ मारपीट की गई, तो मैंने मामला को वहीं शांत किया। मैंने कहा कि कहीं कुछ नहीं करना है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन लोगों पर टूट पड़ते। मैं बाई बॉर्न भाजपाई हूँ, मैं संघ विचारधारा से बाल स्वयं सेवक हूँ और मैंने अनुशासन में अपने आप को जिया है। यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का जिला अध्यक्ष भी कुछ दिन पहले हम थे। 2014 में पार्टी ने टिकट दिया तो आजाद भारत के भाजपा के देवघर के पहले विधायक रहे। हम तो पार्टी के विचारधाराओं से चलते हैं, हम कभी चाहेंगे कि पार्टी का कार्यकर्ता गलत करे। लेकिन आप समझिए जरा कि की बैठक प्रारंभ नहीं हुई थी और उनके गुर्गे के द्वारा, उनके गुंडे के द्वारा ऐसी घटनाएं घटी, जबकि मैं रोज उनको पोस्ट कर रहा था कि आपका आदमी ये लिख रहा है, आपका आदमी ये लिख रहा है। आज तक किसी प्रकार का वो चुनाव जीत जाने के बाद जवाब नहीं दिए और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता संगठन के लोग, सारे लोगों ने इस चुनाव में महती भूमिका निभाई है, नहीं तो उनके अहंकार की चर्चा तो सब जगह होती है। आप लोगों ने भी देखा होगा, गांवों से उसको खदेड़ा गया। निशिकांत दुबे वहां थे, मौजूद थे इस घटनाक्रम के दौरान? भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता थे यहाँ? नहीं, निशिकांत दुबे थे वहाँ पे, मौजूद थे? नहीं, निशिकांत दुबे नहीं थे, उनके गुंडे वो दिल्ली में डफली बजाते हैं और देवघर को आग लगा के जलाते हैं, यही काम है उनका। तो अब नारायण दास क्या करेंगे? हमारे जैसा आदमी दुनिया जानती थी कि निशिकांत दुबे का कोई एक आदमी है तो नारायण दास है। वो मधुपुर से राज परिवार को पसंद नहीं करते हैं, महागामा से अशोक भगत के खिलाफ चलते हैं, अमित मंडल उसको पसंद नहीं है, अब नारायण दास भी पसंद नहीं है। तो क्या कारण है, क्या चाहते हैं निशिकांत? आपको क्या लगता है गोड्डा को कैसे चलाना चाह रहे हैं? पार्टी क्या इसमें इंटरफेयर नहीं करती है? गोड्डा में उनके सिवा कोई थोड़े है, हम जहाँ खड़े होंगे वहीं से लाइन शुरू होगी, ये उनका मानना है। किनके साथ उनका अच्छा संबंध है आप बताइए? राजी उनके साथ है, वो कभी नहीं चाहते हैं कि अपने लोकसभा में एक भी विधायक चुनाव जीते हैं। तो आप नारायण दास जी अब क्या करेंगे? थाने आप जाएंगे, पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं बाबूलाल जी उनके पास शिकायत करेंगे, और क्या आपको लगता है कि बाबूलाल जी आपके साथ न्याय कर पाएंगे? अभी तत्काल पार्टी के महामंत्री और पार्टी के उपाध्यक्ष के सामने ऐसी घटना घटी है, पार्टी को संज्ञान लेने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से मैं बाबूलाल जी के पास, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास मौका मिला तो, और संगठन महामंत्री करमवीर जी के साथ इन चीजों को मैं जरूर ले जाऊंगा। और मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी को अनुशासनहीनता जो करता है उस पर कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए। पार्टी सबकी है, पार्टी माँ है और पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात एक करके चौथी बार उनको चुनाव जिताने का काम किया है, लेकिन इनकी अहंकार की प्रतिकाष्ठा है जो आप लोग भी जानते हैं, पराकाष्ठा है। ये वन मैन इज हीरो एंड ऑल आर जीरो। लेकिन नारायण दास जी, चुनाव के दौरान एक आरोप आप पर ये भी लगा कि बहुत प्रचार वगैरह नहीं किए, एक ही होटल में बैठे रहे दिन भर। नहीं, हमारे ऊपर, हम
आप देखिएगा, निकाल के मेरा फेसबुक आईडी देखिए, मंडलों में जितना बूथ कमेटी का सम्मेलन हुआ, चाहे देवघर हो, चाहे मोहनपुर हो, चाहे देवघर नगर हो, सब जगह मेरा जाना रहा, सब जगह मैंने इनके लिए वोट मांगा और जगह जगह पर जाके वोट मांगा। इसके अलावे आपको कहते हैं, मोहनपुर प्रखंड में एक बार बैठक हुई कार्यकर्ताओं की, हमने कहा कि कभी 2014 से पहले ये आरजेडी का गढ़ था, पार्टी ने टिकट दिया, 2014 में हम विधायक बने, फिर 19 में बने और मैंने इसको गोद लिया, चाहे मोहनपुर प्रखंड ने मुझको गोद लिया। यही कारण है कि आचार संहिता के पहले मैंने 40 पुल पुलिया का शिलान्यास किया, वो उखड़ गए। सार्वजनिक हम पर अहंकारी, जो जो कहे लोगों ने उनको सुना। इसके बाद भी आपको बताते हैं कि कार्यालय देवघर में इन्होंने ओपनिंग किया, जिलाध्यक्ष को साफ इन्होंने मना कर दिया कि विधायक जी को यहाँ नहीं बुलाइएगा, कहिए तो मैं उसका कटिंग आपको भेज देता हूँ जो मैंने रखा है। एक तस्वीर ये भी निकल करके आई थी कि राजनाथ सिंह नामांकन सभा के बाद, जब एक कार्यक्रम हुआ नामांकन के बाद, तो राजनाथ सिंह जी थे मंच पे, निशिकांत जी थे, उनके फैमिली के लोग थे, आप और अमित मंडल नीचे खड़े थे, उसकी भी चर्चा हुई। बोलने जा रहा हूँ कि नामांकन में हम लोग गए बिना इनके कहने पर, गए और कुछ विधायक को जगह नहीं मिला, इनके परिवार के लोग वहां थे और आप इन लोगों ने दिखाया, आप बताइए इनके सारे हम चलते हैं। इसके बाद कहते हैं मंडल ने काम नहीं किया, अशोक भर ने नाम काम नहीं किया, रणधीर सिंह ने काम नहीं किया, राज परिवार ने काम नहीं किया, अब नारायण दास जो भाजपा का कार्यकर्ता रहा है, 2009 में जब ये चुनाव लड़ने के लिए आए, इनको कौन साथ दिया था? यही नारायण दास और यही बुलबुल है। बुलबुल कहाँ है, नारायण दास कहाँ है? आप तो बताया कि निशिकांत जी के गुंडे आए और इस तरीके से घटना को अंजाम दिया, तो क्या इनका आरोप क्या था कि मतलब उस बैठक में नारायण दास नहीं रहे या फिर नारायण दास का बहिष्कार होना चाहिए, उन्होंने सांसद को मदद नहीं किया? हमारे झारखंड के प्रभारी लक्ष्मण वाजपेयी जी थे, सारे लड़के को बुला के हमने उनसे बात करवाया, इसके बाद नहीं लिखा, हर बार हम इनको साथ दिए ना, इसके बाद उसको खत्म कर देना, कार्यकर्ताओं का है न किसी का है। तो ऐसे सांसद उसी पार्टी से हैं जिस पार्टी से आप विधायक हैं, कैसे तालमेल होगा? 5 महीना में फिर आप लोगों की अग्नि परीक्षा है, भले ही कहा जा रहा है कि नारायण दास को इस बार टिकट नहीं मिलेगा, ऐसी भी चर्चा चहुओं हो रही है, पर कैसे अगर इन्होंने भोरमारा में खुद कहा है, सांसद ने, हाँ भोरमारा में खुद कहा है, राजेश मंडल एक कार्यकर्ता है कि नारायण दास का 99% टिकट कट गया, राजेश अगर बाबा वैद्यनाथ की कृपा होगी तो 1% चांस है मिल भी सकता है। ये 2014 में देवदत्त रेणु को टिकट दिला रहे थे, 2019 में सुरेश पासवान को दिला रहे थे, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जीवट कार्यकर्ता है, संगठन और पार्टी हमको टिकट दिलाती है, अगर इसमें हिम्मत है तो सीताराम पाठक को टिकट क्यों नहीं दिला दिया जरमुंडी से, जो 15 साल इनका झोला ढोया। तो मतलब अब आर पार की लड़ाई अब दिखने लगी है, मतलब अब आगे क्या होगा? अब सामने चुनाव तो है ही, पहले जो कार्यकर्ताओं के सहारे, समर्थकों के सहारे जो चीज़ें हो रही थी, अब नारायण दास जब खुल के सामने आ गए हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका रिएक्शन में निशिकांत दुबे भी बोलेंगे ही, तो अब ये लड़ाई किस ओर जाएगी? आपको खुलेआम बोलता हूं कि 2019 में इन्होंने चुनाव हराने के लिए सारी शक्ति लगा दी, अगर हम पूरे डिटेल अगर बोलेंगे अभी, देखिए एम्स जैसे प्रतिष्ठान में अगर रघुवर दास सीएम नहीं रहते तो क्या देवघर में एम्स बनता? जब ओपीडी का उद्घाटन होने लगा तो इन्होंने फोन करके हमको बोला कि नारायण जी आपको मेरे साथ चलना है,
जबकि हमको डायरेक्टर के द्वारा आमंत्रण भी नहीं मिला। ये हमको मने कि एक बच्चा समझ के अपने साथ ले जाना चाहते थे, तो धन्य है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने डायरेक्टर का पुतला जलाया, वहां के डीसी का जलाया। 8 बजे रात को नया पत्र जारी होता है जिसमें मेरे नाम का मेंशन होता है, तब वहां हम गए। आप एयरपोर्ट चले जाइए, जिस दिन प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, इन्होंने बोर्ड में नाम तक मेरा अंकित नहीं होने दिया, इतना ये दुश्मनी पाल के रखे हैं। इसके अलावा आपको बताते हैं कि आप नैनो फैक्ट्री जिसमें गृह मंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन किया गया जी, उसमें भी मेरा शिलापट में नाम नहीं है। और प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी जिसमें प्रदेश को भी पता है कि जितना भी बैनर पोस्टर मेरा लगा हुआ था, सारा बैनर पोस्टर इसने उतरवाया। और जहां मिहेज गार्डन है वहां कार्य समिति की बैठक थी, एक स्टैंड था, उसमें मैंने, उस समय मैं जिला अध्यक्ष था, एक तरफ इनका फोटो लगवाया, एक तरफ मैं अपना लगवाया, इनके गुंडों के द्वारा वो फोटो उतार कर मेरे चेहरे को बूट और चप्पल से मारा गया है। ये घिनौना काम निशिकांत दुबे का है। लेकिन वहां तो वो निशिकांत जी बोलते हैं इतना प्यार है कार्यकर्ताओं में कि मेरे प्यार से जूता चप्पल भी उठा लेते हैं हाथ में। हम तो खुद कहे ना कि एक विधायक उनका जूता पादुकोण तक उठाया, लेकिन वो विधायक आज उनके गुर्गे के द्वारा मार भी खाया। मतलब एक आखिरी सवाल है नारायण जी, उसके बाद जो है आप लाइव से जा सकते हैं। सवाल यह है कि मतलब ये जो पीड़ा है वो सिर्फ आज के मारपीट या फिर ये जो गाली गलौज के बाद का नहीं है, आप पे बोल रहे हैं कि पिछले 7-8-10 वर्षों से जो है इस तरीके का काम होते रहा है और इसमें पीड़ित सिर्फ आप नहीं हैं, गोड्डा संसदीय क्षेत्र के जो दूसरे विधायक हैं बीजेपी के, दूसरे जो नेता हैं वो भी हैं। हम तो इसी बात को बोले ना कि ये चाहते हैं कि गोड्डा लोकसभा ही नहीं बल्कि पूरे संथाल परगना परमंडल में एक हम ही जीते हैं और सब विधायक हार जाए, ताकि राष्ट्रीय नेता को बता सके भाजपा मींस निशिकांत दुबे, नहीं तो गोड्डा में और संथाल परगना में बीजेपी है ही नहीं। बिल्कुल, लोगों को भी अपने पाले में ला लेते हैं, इनको वोट से मतलब है। और मेरे पास पूरा वीडियो फुटेज है, जब वक्त आएगा तो मैं दिखा दूंगा कि 2019 में इन्होंने सारी शक्ति लगा दिया था हमको हराने के लिए। और आज भी नारायण दास जो एक दलित विधायक है वो पच नहीं रहा है। तो शुक्रिया नारायण जी, आप लाइव में जुड़े और आपने अपनी बात रखी। नारायण दास जी को आप सुन रहे थे, देवघर से विधायक हैं, दलित बिरादरी से आते हैं, दलित समाज से आते हैं। वो ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ आज का मसला नहीं है, बीते 8-10 वर्षों से लगातार निशिकांत दुबे और उनके समर्थकों के द्वारा जो है इस तरीके की चीज़ें होती रही है। अब आर पार की लड़ाई हो गई है। अब आप देखिए कि खुद एक विधायक जो बीजेपी के हैं अपने ही सांसद के ऊपर जो है इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, उनके लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे जो है निशिकांत दुबे खुल करके, चूँकि ये मसला आ गया है, आप लाइव सुन रहे थे लगातार, वो ये बोल रहे हैं कि निशिकांत दुबे कैसे ये चाहते हैं कि गोड्डा संसदीय सीट में से क्षेत्र में जितने भी विधानसभा हैं और खास करके जहां से बीजेपी के विधायक जीत करके आते हैं वो ना जीत पाएं, और इसको लेकर के भी वो काम करते हैं, हराने के लिए भी काम करते हैं। मामला जो है अब खुल करके बाहर आ गया है, अब विपक्ष का इसमें बयान आएगा, मजा वो लोग भी लेंगे। कितना नुकसान और खास करके लिए बाबूलाल मरांडी के लिए चैलेंज है, तब जबकि 14 का 14 सीटों का जीत का दावा था, 14 में से 9 ही मात्र जीत पाए, और सबसे बड़ी हार तो सुरक्षित सीटों पे हो गया। और बाबूलाल के सामने पहले ही एक चुनौती और एक दूसरी चुनौती खड़ी आन पड़ी है कि भाई अब वहाँ पे उनके सांसद के खिलाफ एक विधायक खुला खुला बोल रहा है और उसके साथ गाली गलौज भी हुआ है। देखिए ये कोई पहली घटना नहीं है गोड्डा की, इससे पहले आपने बताया ना दुमका में भी हुआ, तो ऐसे कई जगह मामले थे। दुमका में जो हुआ कार्यकर्ताओं के बीच हुआ, ये तो विधायक जो सिटिंग एमएलए है वो आरोप लगा रहा है पांडे जी, छोटी मोटी बात नहीं। विधायक नहीं, पूर्व सांसद के ही लोगों ने नारेबाजी की दुमका में, लेकिन किसी सांसद या पूर्व सांसद ने आरोप नहीं लगाया ना कि वैसे हुआ है। हाँ, यहाँ पे तो सिटिंग एमएलए सीधे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, तो ये सत्ता पे आ गई, लेकिन आप यकीन मानिए कि कार्रवाई की जो मांग ये कर रहे हैं कि अनुशासनहीनता हुई है, वो मुझे नहीं लगता कि होगा। जो इतना नैतिकता और अनुशासन का बात करते हैं, पार्टी बात में अपने कार्यकर्ताओं को, वो ऐसे मसलों पे कुछ
बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि पार्टी कोई कार्रवाई करेगी। हाँ, आप जिन लोगों का इन्होंने नाम लिया उन पे कार्रवाई हो जाए तो हो जाए, वो अलग विषय है। लेकिन एक सांसद पे कार्रवाई की बात हो रही है कि सांसद ऐसा सिचुएशन क्रिएट किए हुए हैं जिसके चलते कभी वो अमित मंडल को बोलते हैं काम लायक आदमी नहीं है, रणदीप सिंह को बोलते हैं नहीं मिलना चाहिए टिकट ये मेरे खिलाफ बोलते हैं, राज परिवार को बोलते हैं। तो जब इतने लोग उनका बुराई कर रहे हैं या उनकी शिकायत कर रहे हैं, निशिकांत जी भी शिकायत कर रहे हैं, अब वो संगठन में शिकायत करते थे या कुछ लोगों के पीछे लोग अब मीडिया में शिकायत कर रहे हैं। लेकिन इतना सत्ता विपक्ष भी हमलावर नहीं रहता है जितना कि बीजेपी के ही विधायक आ गए, तो ये तो ऐसा तो नहीं है कि शौक से इस तरीके की बात हो रही होगी। सारे लोग एरोगेंट, एक मुद्दा बन गया निशिकांत दुबे का, और अब जब देख रहे हैं कि आप खुद एक विधायक इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं तो मामला तो कुछ तो बनता है। मुझे लगता है कि ये लड़ाई नहीं है, अब यही चुनाव परिणाम के बाद ये सतह पर जैसे पानी में उपला कर चीज आती है उसी तरह आ गया है। ये लड़ाई चुनाव के दौरान ही चल रही थी और ये वजह की कहा जा रहा था कि निशिकांत दुबे को खासकर स्टेट बीजेपी ने बिल्कुल अकेले छोड़ दिया, भले बाबूलाल मरांडी गए चुनाव प्रचार करने के लिए, नाम आप बता पाएंगे कि जो प्रचार करने के लिए नहीं कर रहा, लेकिन प्रचार नहीं करेगा तो आप अपने आदमी से जाकर के कॉलर करवा लेंगे, किसी को गाली गलौज दिलवा दे, आरोप तो प्रचार प्रसार तो अलग चीज है। ये वही कर रहा हूँ, ये तो आरोप आ रहे हैं, निशिकांत दुबे वहाँ है नहीं, वो बाहर है, और पांडे जी बता रहे हैं कि अगर कार्रवाई होना भी होगा तो जो लोग मौजूद थे उन पर होगा, क्योंकि आरोप और फिर प्रत्यक्ष रूप से मौजूदगी दोनों में बहुत अंतर होता है। अब पार्टी चूंकि वो खुल के बोल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम लोग के साथ पहली बार बोले, इससे पहले भी वो कई मीडिया में वहाँ पर लोकल इंटरव्यू दिए और वही इंटरव्यू हम लोग सुने, उनसे बातचीत हुई और उसके बाद ही ये हम लोग लाइव कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो कंटिन्यू बोल रहे हैं, अगर वो कंटिन्यू इसी तरह बोलते रहें तब तो फिर पार्टी को सोचना होगा कि क्या सचमुच ऐसा है, फिर नारायण दास का मन कुछ और है, बदल रहा है। नारायण दास कम से कम माँ बहन का गाली सुने तो नहीं करेगा किसी भी आदमी को, अगर वो आरोप लगा रहे हैं और वो तस्वीरें भी जारी हुई है। देखिए जितने नाम लिए गए अमित मंडल तमाम लोग, अगर ये लोग पार्टी के सामने शिकायत भी करेंगे तो वो सब जो किया था नहीं होता तो एफ आई आर कर दो, और डंके की चोट पे बोलो कि टिकट हमें को मिलेगा, निशिकांत जी को पता चल जाएगा कि वो कितनी बात रहे हैं, तो यही कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि सांसद जी बोलता नहीं, संगठन सर्वोपरि राजनीति अलग चीज है, राजनीति के दांव भी अलग अलग है, लेकिन किसी को गाली गलौज करना, माँ बहन की गालियां देना, मारपीट और पकड़ लेना, तब जबकि एक वो जनप्रतिनिधि है, इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये आरोपी हैं, लेकिन ये अगर आरोपी सही हैं तो काफी शर्मनाक है बीजेपी के लिए, जो बोलते हैं कि भाई बीजेपी पार्टी विथ डिफरेंसेस के लिए जानी जाती है, डिफरेंस के लिए जानी जाती है, तो ऐसे में इस तरीके का जो आरोप है उस पर कितना कार्रवाई, किस तरीके का पहल जो है प्रदेश स्तर के नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता करते हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, कि फिलहाल इस तरीके के जो वीडियोज और इस तरीके के जो आरोप आए हैं इतना तो स्पष्ट है कि बीजेपी की आपस में ही जो है सिर उठावल होना बाकी है।